दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपको वो सीख और ज्ञान देगी जिससे आपको वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति हो सके। विट्ठलनाथ की नगरी में एक भक्ति मती, हाँ, जिसे जो विट्ठलनाथ के मंदिर में झाड़ू लगाया करती थी, पोछा लगाया करती थी, बर्तन धुला करती थी, और जो प्रसादी जूठन मिल जाए भक्तों की तो पा लिया करती थी। छोटी सी बच्ची थी वो कन्या, जो विट्ठलनाथ को ही अपना सर्वस्व मानती थी। त्वमेव माता च पिता, तुम ही मेरे माई हो, तुम ही मेरे बाप हो। माता भी तुम, पिता भी तुम, भाई भी तुम। मेरा तो कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। मैं मानू तो मानू किसे, मैं रिश्ता बनाऊं तो बनाऊं किससे, कोई होए तो बनाऊं, इसलिए मेरे तो आप ही हो। तो उस लड़की ने सब कुछ भगवान को ही मान लिया, सब कुछ मान लिया भगवान को। कुछ दिन बाद वहां के पुजारियों ने, पंडों ने, मंदिर के पुजारियों ने देखा कि ये लड़की सयानी हो गई है, बचपन से यहाँ रह रही है, इसके माई बाप पता नहीं कहाँ चले गए, अब ये बड़ी हो गई है, चलो ये मंदिर में रहती है तो हम सभी का कर्तव्य है कि इसका विवाह कर दें। वो लड़की का विवाह पास के ही एक गांव में सेठ जी के घर, बड़े वहां के सेठ, नगर सेठ थे, उनका बेटा था, उनके संग उसका विवाह कर दिया। पर वो लड़की जब ससुराल गई तो उसका मन तो विट्ठलनाथ में ही लगा है ना, और कहीं लगने को तैयार ही नहीं। अब वो तो सास बोले चलो भोजन बनाओ, वो भोजन बनाती जाती और भगवान में ऐसी खो जाती, कई बार उसकी रोटी तवे पे पड़ी है तो पड़ी रह जाती, जलने लगती। जब रोटी जले उसकी दुर्गंध निकले तो सास अंदर आए, देखे रोटी जल गई तो बहू के कान में दो चार जमाए और कहे पागल हो गई है, क्या कर रही है। अब उसे होश आए तो फिर वो प्रसन्नता से रोटी बनाने लग जाए। कई बार भगवान के चिंतन में ऐसी खो जाती कि दाल जल जाती, कई बार भगवान में ऐसी खो जाती कि रोटियां जल जाती। सास बहुत मारा करती थी। एक दिन क्या हुआ, वो अपनी सास से, अपने पति से बोली, सुनो आज हमें विट्ठलनाथ जी के दर्शन करने जाना है, आज हमें उनका दर्शन करना है। वो सारे लोग नास्तिक थे, भगवान को मानते ही नहीं थे। पति ने तो गाल में दो थप्पड़ जमाया, मैं ही तेरा भगवान हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सास ने तो ताने मारा, हां हां मुंह काला कराना है तुझे, जाना है तुझे। वो बेचारी घर पे ही दुबक के रह गई, कुछ नहीं हुआ। घर पे ही वो बर्तन करती, झाड़ू करती, पूरा भोजन बनाती, सबके पांव दबाती, पूरी सेवा करती, पर वो काम बराबर करती। सास के पांव दबाती, सास के पांव में तेल लगाती, पर वो चिंतन विट्ठलनाथ का करती रहती। भाव ऐसा था वो अपने आप को विट्ठल नाथ के चरणों में ही महसूस करती। वो यह मानती ही नहीं थी कि मैं ससुराल में हूं। वो काम सारा करती पर उसका मन तनिक भी नहीं लगता किसी काम में। उसका काम पूरा करती, पांव बढ़िया दबाती, तेल बढ़िया लगाती, भोजन बढ़िया बनाती। कभी कभी जब डूब जाती थी समाधि में तो रोटियां जल जाती थी, तो दो चार थप्पड़ पड़ते थे, पर उसे कोई दुख नहीं होता था कि कोई ने हमें मार दिया। वो तो मस्त रहती थी अपने भगवान के चिंतन में, उसे कोई शिकायत भी नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, कोई शिकायत। एक दिन बाहर बर्तन धुल रही थी, सर्दियों का समय था, गांव से कुछ साधु निकले, विट्ठल विट्ठल विट्ठेला पांडुरंग विट्ठेला, विट्ठल विट्ठल विट्ठेला पांडुरंग, कीर्तन करते हुए जब विट्ठलनाथ का निकले तो वो लड़की बोली, गुरुजी कहाँ जा रहे हो। गुरुजी ने कहा, बेटी तुझे पता नहीं है विट्ठलनाथ के यहाँ मेला लगा है और लोग जा रहे हैं, बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं विट्ठलनाथ के मेला में। अब तो उसे भगवान की बहुत याद आई और वो भगवान के ख्यालों में ऐसी खो गई
पागलों की तरह साधुओं के पीछे भी बर्तन धुल रही थी, हाथ बिल्कुल काले थे, हाथ भी नहीं धोया, बस वैसे ही विट्ठल 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 कहती हुई संतों की टोली में सम्मिलित हो गई और पैदल पैदल चल पड़ी। जब गांव के बीच से साधुओं की टोली निकली तो गांव के कुछ चतुर लोगों ने देखा, रे ये तो फलाने की बहू है। हाँ हाँ, तो चुगली कर दी, सुनो जी तुम्हारी बहू बाबाओं के बीच में जा रही है। अब ससुर जी घोड़े पर चढ़ के आए, अब मेरा नाम खराब कर दिया, सारे गांव में अपनी शकल दिखा दी। अब बाल पकड़ के घसीटते हुए ससुर जी लेकर के आए, ले जाकर के कमरे में बांध दिया, हाथ पीछे कर दिए खंबे से और रस्सी से कस करके पूरा शरीर बांध दिया। सास ने आकर गाल सुजा दिए, इतनी मार लगाई गालों में, पति ने आकर लात जमाए पेट में और ससुर ने खूब लाठियां बरसाई, नाम खराब कर दिया। और बड़ी भक्तन बनी है, बड़ी पुजारन बनी है, और क्या क्या ना बोला लोगों ने। बांध दिया, खाने को नहीं दिया, पानी नहीं दिया, बस इन्होंने तो बड़ा अत्याचार किया, परंतु धन्य है वो कि बस विट्ठल, उसके मुंह से विट्ठल जाता ही नहीं, बस विट्ठल। लोग लात मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस विट्ठल 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 जप रही और बस रोती जा रही है, हे विट्ठल क्या अपने दर्शन दिए बिना मेरे प्राण निकालोगे, बस विट्ठल नाथ एक बार अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दो, क्या गुनाह किया मैंने कि आपने अपने चरणों से मुझे दूर कर दिया। हे भगवान, हे विट्ठल नाथ, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरी सास ने, मेरी ससुर ने, मेरे पति ने मुझे मारा है, अरे दुख तो इस बात का है कि ये आंख आपको देख ना सकी, आपके दर तक मैं पहुंच ना सकी, इस बात का दुख है